ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। खालापुर कर्नाटक का एक छोटा सा गांव। उस गांव का एक छोटा सा लड़का अब्दुल रहीम वेलगी। बेहद गरीबी ने उसे बचपन से ही मेहनत मशक्कत करने पर मजबूर किया। मेहनत करते करते उसने पढ़ाई भी की और एक दिन ग्रेजुएट हो गया। नौकरी की तलाश में वो मुंबई आया। छोटे मोटे काम करते करते एक ट्रैवल एजेंसी में उसे नौकरी मिली और उसके साथ मिला तजुर्बा अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी शुरू करने का। काम बढ़ता गया, आमदनी भी बढ़ती गई। देखते ही देखते वेलगी ने अपना पहला घर और पहली गाड़ी भी खरीद ली। ढेर सारा पैसा कमाने के जुनून की वजह से उसने लोगों को दुबई, कुवैत, मस्कत भेजने का कारोबार शुरू किया। और फंस गया, पहुंच गया जेल, जहां शुरू हुआ उसका असली ग्रेजुएशन। एक बनाना बेचने वाले ने दुनिया को बनाना शुरू कर दिया। बहुत दिनों से देख रहा हूँ, काफी उखड़े उखड़े से, बुझे बुझे से, खोए खोए से रहते हो। क्या बात है, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल रहीम बेलगी। मेरा नाम किशन बंगाली। वैसे किस जुर्म में आए हो? कुछ लोगों को दुबई, कुवैत, मस्कत भेजना था। अच्छा। उन लोगों से मैंने रुपए भी लिए थे, लेकिन सामने वाली पार्टी गलत निकली। उन लोगों को फॉरेन भेज ना सका, इसलिए उन लोगों ने मेरी पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। उसी में फंस गए, यहाँ पर आ गए। तो लोचा ऐसा हो गया। देख भीड़ू, छोटा लफड़ा करेगा तो भी चोरी कहलाएगा, बड़े झोल करेगा, फांदे करेगा तो भी साला चोरी कहलाएगा ना। करने की तो बड़ी झोल थी यार, लेकिन कोई सही लाइन नहीं मिल पाई। बड़ी झोल करने का डेयरिंग रखते हो? हाँ बिल्कुल। बड़ा झोल बड़ा रिस्क। जरूर है, लेकिन रुपए जबरदस्त मिलने चाहिए। मेरे पास एक लाइन है, कुछ खास कॉन्टैक्ट्स हैं, वो लोग
डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर्स बनाते हैं। वो लोग गवर्नमेंट को चूना लगाते हैं और गवर्नमेंट को चूना लगे नुकसान में जाए किसी को क्या पड़ी है। और फिर हर आदमी अपनी खिचड़ी पे घी डाल के खुश है तो उसे होने दो। ठीक है, लेकिन कब और कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी? कलकत्ते से। जरा ये गौर से देखो, इसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा है पहचान सकते हो? अरे ये तो दोनों एक जैसे ही है, कोई फर्क ही नहीं। खा गए ना धोखा। अरे बाजार में 100 रुपए में बिकता है और मैं आपको दूंगा 30 रुपए में, तो आप कितना कमा सकते हो वेलगी? सोचो जरा। एक दिन में अगर 500 स्टैंप पेपर बेचेंगे तो 35,000 रुपए इनकम होगी। और अलग अलग जगह एजेंट अपॉइंट करोगे तो दिन में लाखों रुपए कमा सकते हो और किसी के नजर में भी नहीं आओगे। बिजनेस तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अरे लाइफ इंटरेस्टिंग बन जाएगी। किशन बंगाली, तुम्हें मेरे पास लेके आया इसीलिए मैं तुमसे एडवांस नहीं मांगता हूँ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। क्या? हमारे धंधे में गद्दारी नहीं चलती। अगर किसी ने गद्दारी की तो उसे दुनिया छोड़नी पड़ती है। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें दुनिया छोड़ने की इतनी जल्दी है। नहीं नहीं, मुझे तो ढेर सारे रुपए कमाने की जल्दी है, मुझ पे एक बार भरोसा करके तो देखो। चलो किया। यहाँ चलें। सही जगह पहुंच गए बिड़ो। मुझे तो बकरा एकदम सही लगता है। हाँ बोलिए साहब, कितने रुपए का स्टैम्प चाहिए? 10, 20, 50, 100, 500, 2000, 5000? 100 रुपए वाला। 100 रुपए वाला? हाँ। नाम बोलो। असली या नकली? क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हो साहब? काहे को अपने आप को गरीब कहते हो यार? अरे दिन भर यहाँ बैठकर 200-300 रुपया कमाता हूँ, तो क्या गरीब नहीं तो क्या अमीर समझो अपने आप को? नाम बोलो साहब। कितना कमीशन मिलता है तुम्हें? 3%। अगर 25% मिले तो? कौन देगा 25% कमीशन? अपन देगा तुमको। तुम दोगे? मैं कुछ समझा नहीं। समझा इसको। कितने का है ये स्टैम्प पेपर? 100 रुपए का। और ये? ये भी 100 रुपया। अबे बताओ किसमें तुम्हारा कौन सा है और हमारा कौन सा? दोनों एक जैसे ही है, इसमें क्या फर्क है? फर्क है, एक को बेचोगे तो तुम्हें 3% कमीशन मिलेगा और दूसरे को बेचोगे तो 25%। कुछ लफड़ा तो नहीं है ना साहब? क्या नाम है तुम्हारा? नागेश जक्कल। देखो नागेश, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। हमारे कुछ सोर्सेज हैं जिससे हमें ये स्टैम्प पेपर सस्ते दाम में मिलते हैं। अगर तुम अपने स्टैम्प पेपर के साथ हमारे स्टैम्प पेपर बेचोगे तो तुम्हें 25% कमीशन मिलेगा। लेकिन साहब, इसमें कोई रिस्क तो नहीं ना? अरे पैसा कमाने के लिए जिंदगी में थोड़ा बहुत रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। क्यों? हाँ, अब सफेद आटे में सफेद नमक जब घुल मिल जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलता और रोटी खाने लायक बन जाती है। वैसे ही तुम्हारे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के साथ में हमारे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर बेचोगे, किसको पता लगेगा? तुम खुद भी तो धोखा खा गए अभी। वो तो सही है, लेकिन ये स्टैम्प? तुम आम खाओ, पेड़ क्यों गिनते हो? हाय अल्लाह, इतने सारे रुपए! हाँ साजिदा, अब तो हमारे यहाँ नोटों की बरसात होगी, बरसात। सच? मैंने एक नया कारोबार शुरू किया है। अब हम इन रुपयों का क्या क्या करेंगे? किशन,
दूसरों से तो वसूली हो गई, अब इससे भी वसूली करते हैं। अरे आइए विलकी साहब, आइए आइए, बैठिए बैठिए। हाँ बोलिए, क्या मंगाऊं आपको? चाय, कॉफी, ठंडा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। विलकी साहब कमाल हो गया। क्या हुआ? आपका दिया हुआ सारा माल बिक गया। ये रहे आपके रुपए। तुम्हारी पहचान के और भी तो स्टैंप वेंडर होंगे ना? है ना, बहुत सारे हैं। उनसे भी बात चलाओ, उसका अपुन तुमको 3% देगा अलग से। सरकार 3% दे रही है और आप भी 3% दे रहे हो? वेलगी साहब सचमुच आप ही हमारी सरकार है। मैं तो कहता हूँ आप भी स्टैंप वेंडर का लाइसेंस निकालिए, क्या है ना, उसके आड़ में धंधा करना बहुत आसान रहेगा। मेरे नाम का भी एक लाइसेंस बनवा देना। बनवाता हूँ ना साहब, बनवाता हूँ। लेकिन क्या है ना विरगी साहब, इतने आसानी से लाइसेंस नहीं बनता। नोट हो तो काम में खोट नहीं। अरे अपने को सब प्रोसीजर मालूम है, आओ तो सही। नमस्ते। इन्हें स्टैंप वेंडर का लाइसेंस लेना है। नया कोटा इशू होने में अभी वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? कह नहीं सकते। ये लो पूरे 5 पेटी, मुझे और माल चाहिए। नहीं नहीं, माल का शॉर्टेज बता रहे हैं ये, और अभी फिलहाल तो इनके पास सिर्फ 2 पेटी का ही माल है ना? एक बहुत जरूरी बात सुन लो, वहां धंधा बहुत होशियारी से करना पड़ेगा। जी। किसी की नजर में नहीं आना चाहिए जी। और फिर बेईमानी का धंधा ईमानदारी से तो करना ही पड़ेगा। बराबर बोला, ठीक है जी। अरे तंग आ गए यार नागेश, ये लाइसेंस के लिए कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। मैं भी वही सोच रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का काम ऐसा ही है। चलिए। क्या आप लोग नए लाइसेंस के लिए आए हैं? हाँ, इसीलिए तो आते हैं ना हम लोग इधर। कोई जान पहचान है पॉलिटिशियन से? नहीं, नहीं। वसीले के बिना काम नहीं चलता यहाँ भाई। हाँ, फिर क्या करें? एक हमारे दोस्त है, हाँ। MLA है, हाँ। धुलिया से चुन के आए हैं। अच्छा, क्या नाम क्या है उनका? सुनील पोटे। हेलो, आमदार सुनील पोटे बोल रहा हूँ। उन्हें कल मेरे बंगले पर ले आइए। हाँ ठीक है ठीक है, उन्हें कल मेरे बंगले पर ले आइए। बोलो क्या काम है? स्टैम्प वेंडर का लाइसेंस चाहिए। इतना छोटा सा काम? छोटे छोटे काम से शुरुआत करेंगे तभी हम बड़े बड़े काम कर पाएंगे। ये छोटे से काम के लिए एक छोटा सा नजराना। कितना है? 1 पेटी। आप सही बिजनेसमैन नहीं है विलगी साहब, लाइसेंस निकलवाने के लिए 5,000 काफी है, आप तो 1,00,000 रुपए दे रहे हो। मैंने लाइसेंस बनवाने के लिए 5,000 ही दिए हैं। और बाकी के? बाकी के आपकी दोस्ती पाने के लिए। क्या बात है। एक MLA साथ में हो तो आदमी साल भर में करोड़ों कमा लेता है, ऐसा मैंने सुना है। और उसमें से 50% उस MLA का होता है, ऐसा मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ का दस्तूर है। आपका दस्तूर सर आंखों पर, बस यूं समझ लीजिए कि मेरा दिमाग और आपकी पहचान नोटों की बारिश होगी बारिश। अभी रेवेन्यू मिनिस्टर को फोन करके आपका काम कराता हूं। हाँ देशमुख साहब, पोटे बोलते हैं, पोटे। हाँ हाँ, आमदार पोटे। हमसे एक मित्राला स्टैंप वेंडर लाइसेंस पाइजे। हाँ हाँ, अपने इलाके का है, बस आपका एक लेटर चाहिए। ओके। हाँ पूरा नाम चाहिए? एक मिनट, क्या नाम बताया? अब्दुल रहीम वेलगी। अब्दुल रहीम वेलगी। सिगरेट गले में चेन घुमाता है मैम, हाथ में ब्रेसलेट होंठों पे सिगरेट गले में चेन घुमाता है मैम। फुर्सत में बैठे अरे काय की है खाई, रुक जरा
अरे रुक जरा 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 मुंबई के भाई हाथों में ब्रेसलेट होंठों पे सिगरेट गले में चेन घुमाता है मैं बोल रहे मैं अब्दुल रहीम बेलगी बोल रहा हूँ हाँ बोलो बेलगी साहब नया माल चाहिए अरे माल का बहुत शॉर्टेज चल रहा है हाँ जैसे ही माल आ जाएगा तो आपको मैं कांटेक्ट करूंगा ना नया माल नए माल का इंतजाम कहाँ से हो सकता है सर सर नया माल आया क्या नया माल तो नहीं आया नागेश सर मैंने बहुत से स्टैम्प वेंडर से कांटेक्ट किया था सब माल की डिमांड कर रहे हैं एक दिन में हम लाखों का माल बेच सकते हैं क्या करें नागेश मार्केट में माल ही नहीं है नागेश जरा सोचो क्या हम ये स्टैम्प पेपर खुद बना सकते हैं कैसी बातें करते हैं सर हम भला स्टैम्प पेपर कैसे बना सकते हैं क्यों इसे बनाने वाले
इंसानी होते हैं ना, भले ही वो गवर्नमेंट प्रेस में छपते हों। अगर ये प्रोडक्शन हमारा शुरू हो गया तो हम रोजाना करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। हमारे सारे एजेंट्स की चेन बन गई है, बस एक अच्छा सा प्रेस वाला चाहिए। मेरे पहचान का एक बहुत अच्छा कारीगर है, प्रिंटिंग प्रेस का कीड़ा है, उसे मेरे पास ले आओ। ओके सर। एक बार ये काम शुरू हो जाए तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। दुनिया में शायद ही किसी ने ऐसा किया होगा। वेलगी साहब। हाँ, ये वही कारीगर है। अप्पा थोरात। नमस्ते। नमस्ते। प्रेस लाइन का कीड़ा है, कीड़ा। महीना कितना कमा लेते हो आप? महीने में 5-6 हजार तो हो ही जाते हैं। उस पर एक जीरो बढ़ाना चाहते हो? मतलब? मतलब महीना 50-60 हजार कमाना चाहते हो? काय मस्करी करते रहो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं एक नया प्रिंटिंग प्रेस डालना चाहता हूँ। हाँ। जो बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल होगा। हाँ। उसकी सारी बागडोर तुम्हें संभालनी होगी। अच्छा। तुम्हारी तनख्वाह होगी पूरे 50 हजार। लेकिन अगर यहां की एक बात भी बाहर गई, समझ लो, तो ये गोली सीधे भेजे में होगी। सोच कर बताना। सोचना क्या है साहब, अगर जिंदगी भर गधे की तरह कमाऊंगा ना तो भी 50 हजार एक साथ नहीं देख पाऊंगा, और यहां महीने का 50 हजार। तो अब एक काम करो। हाँ? मार्केट में जितनी भी नई मशीनरी है उनके कोटेशन ले आओ। अच्छा। चाहो तो इंपोर्टेड मशीनरी खरीद लो, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे एकदम नई और अच्छी मशीनरी चाहिए। मशीनरी तो लग गई, अब तुम्हें किस चीज की जरूरत है अप्पा? बस एक अच्छा सा ब्लॉक मेकर चाहिए साहब। वैसे मेरे पहचान वाला एक है, बस उसी से तुम्हें मिलाता हूँ सर। साहब, ये क्रिस्टोफर है। अच्छा अच्छा, बैठो। नो, इट्स ओके। ये कंप्यूटर में चाहे इतना हूबहू डिजाइन बना सकता है। गुड गुड। क्रिस्टोफर, आज से तुम हमारे लिए काम करोगे। मंथली अमाउंट होगा 50,000। 50,000? ये रहा 50% एडवांस। अब मुझे 5,000 वाले स्टैम्प पेपर का ब्लॉक बनाकर चाहिए। सर, दिस इज रॉन्ग। हम बोलते हैं ये गलत काम है। दुनिया में गलत काम के ही इतने रुपए दिए जाते हैं। सही काम का क्या मोल है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। आई नो दैट सर, बट ये पुलिस का लफड़ा में हमको इन्वॉल्व मत करना मैं। पुलिस? पुलिस किस चिड़िया का नाम है? वही चिड़िया ना जो हर वक्त दाने की तलाश में रहती है, और हमारे पास बहुत दाने हैं। पुलिस चुपते चुपते थक जाएगी। तुम काम शुरू करो। आपका प्रूफ देखिए। हाँ,
मजा नहीं आया अप्पा। ये ओरिजिनल और ये तुम्हारा प्रूफ, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। कौन खरीदेगा ये हमसे? क्यों नागेश? काम का 12 के भाव में जाएंगे। खामोश। काम के वक्त मुझे मजाक पसंद नहीं। क्या कमी रह गई अप्पा? साहब पेपर सही नहीं है, अगर पेपर हमें ओरिजिनल मिल जाए तो। ये स्टैम्प पेपर नासिक सिक्योरिटी प्रेस में ही छपते हैं ना? हाँ हाँ। कहाँ पर है मैडम? आप ऐसा करिए, यहाँ से सीधे जाइए, पहले सर्कल से आप राइट मुड़िए, दूसरे सर्कल से लेफ्ट लीजिए, वहाँ पे एक ब्रिज आएगा, वहाँ से आप सीधे चले जाइए। तुम्हें कुछ पता चला? नहीं मैम साहब। जी देखिए, हम इस शहर में अजनबी हैं और मेरे पति उसी होटल में रुके हुए हैं और उनका सेल भी नहीं लग रहा है, तो आप में से हमें कोई वहाँ तक पहुँचा देगा? तू जाना। तू तो ताज के आगे ही रहता है ना? हाँ। अच्छा ठीक है मैडम, मैं आपके साथ चलता हूँ। थैंक यू। चलो ड्राइवर। ये रहा होटल मैडम। थैंक गॉड आपकी गाड़ी वक्त पे ठीक हो गई, वरना शाम को निकले थे रात हो गई। मैडम अब मुझे इजाज़त दीजिए। ऐसे कैसे जाएंगे आप? आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है और मैं आपको बिना खिलाए पिलाए ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? लेकिन मैडम मुझे यहाँ तक तो आना ही था। वैसे मैं मुफ्त में किसी का एहसान नहीं लेती हूँ, आपको मेरे साथ अंदर चलना ही पड़ेगा। चलिए ना, चलिए। आओ जूली, आओ। प्लीज बैठिए। ये है मिस्टर जाधव। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरे पति हैं। पता है डार्लिंग, ये नासिक के गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस में काम करते हैं। क्या काम करते हो प्रेस में? हाँ जी, स्टोर कीपर। गुड। रिटायर होने के बाद मुझसे आकर मिलना। हाँ। मेरा भी एक बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है। ये रहा मेरा कार्ड। और हाँ, आपका बड़ा ऑफिसर कौन है जिससे आपकी अच्छी जान पहचान है? गंगा प्रसाद माथुर। क्या उससे मेरी मुलाकात करवा सकते हो? करवा दो ना। बर क्यों नहीं, जरूर। मगर क्यों? कुछ नहीं, बस प्रेस के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस लेनी थी। यही है गंगा प्रसाद माथुर का बंगला। अच्छा अच्छा, चलो चलते मिल। चलो आइए। सॉरी सर, आपको घर पर तकलीफ दी। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं किसी के काम आ सकूं ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आप मुंबई आइए ना और हमारे नए प्रेस के बारे में कुछ गाइड कीजिए, या तो फिर आप हर महीना राउंड मारा कीजिए, हम आपको उसके बदले में 5-स्टार सुविधा देंगे और 50,000 रुपया महीना। ये रहा मेरा कार्ड। जी
अब आप हमें इजाजत दीजिए। अच्छा जी, अच्छा। ये बच्चों के लिए कुछ मिठाइयां लाया हूं। इसकी क्या जरूरत थी वेलगी साहब? जरूरत पड़ती नहीं, जरूरत पैदा करनी पड़ती है। चलिए जी, आप जितना हो सके जल्दी मुंबई आइए। आऊंगा, आऊंगा। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। अरे इनके भी तो बाल बच्चे होंगे ना? डार्लिंग आई नो वेरी वेल, ऑलरेडी इनके लिए मैंने गाड़ी में मिठाइयां रखवा दी है। लेट्स मूव। आप अपना एड्रेस और टेलीफोन नंबर दे दीजिएगा। जी बिल्कुल। क्या वेलगी साहब, नासिक से गंगा प्रसाद माथुर बोल रहा हूँ। अरे माथुर साहब। जी, कल मुंबई आ रहा हूँ मैं। आइए आइए, कल मेरे सीधे फार्म हाउस पे ही पहुँच जाइए। हाँ हाँ, सब इंतजाम हो जाएगा वहाँ पर। माथुर साहब, कैसी रही कल की रात? कल की रात ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में था। मदिरा, अप्सरा। रोज ऐसे स्वर्ग का मजा उठाना चाहते हो? हाँ। और साथ में लाखों करोड़ों कमाना चाहते हो? हाँ भाई हाँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा? कुछ नहीं, बस मेरी थोड़ी सी मदद। कैसी मदद?
मुझे कुछ कागज और प्रेस की टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या मैं गवर्नमेंट प्रेस में विजिट कर सकता हूँ? नहीं नहीं, प्रेस में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन मैं तो अंदर आ सकती हूँ ना। आइए आइए माथुर साहब, कल आपके साथ मेनका थी, आज उर्वशी हाजिर है, लेकिन हमारे लिए कुछ कीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार तुम्हारा प्रेस के अंदर से मुजाहिरा करवाऊंगा, सिर्फ एक बार। वाह वाह माथुर साहब, तब तक आप इनके साथ इनका मुआयना कीजिए, आप मेरे साथ आइए। बाय चार्ली। बेलगी साहब, ये है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, यहीं पर हमारे देश की सारी करेंसी और स्टैंप पेपर्स छपते हैं। प्रेस की डाटा इंफॉर्मेशन चाहिए। आप जानते हैं विल्की भाई, वो एक हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रेस है, वहां किसी भी आम आदमी का जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर भी मैंने, मैं जानता हूं माथुर साहब। विल्की भाई, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा काम किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, पहली बार। बहुत बड़ा रिस्क लेकर मैं तुम्हें प्रेस में लेकर गया और तुम्हारे लिए सारी इंफॉर्मेशन लेकर आया, बहुत बड़ा रिस्क लिया है मैंने। हम एक काम आपसे दोस्ती में थोड़े ही करवा रहे हैं, क्यों माथुर साहब? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब की बात तो मैं कल आपके घर पर आकर करता हूं, तो चलें। चलो। देखिए माथुर साहब, ये पूरी 5 पेटी हैं, लगता है ये कागज के नोट तुम्हारे प्रेस से ही छपकर आए हैं। हाँ, नोट हमारी प्रेस में ही छपते हैं। ये कागज के नोट मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसके बदले में मुझे क्या चाहिए पता है? क्या? लोग प्यार के बदले प्यार मांगते हैं, मैं कागज के बदले कागज मांग रहा हूं। मैं समझा नहीं। मुझे वो कागज चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस से, जिस पर स्टैंप पेपर छपते हैं। ये कैसे मुमकिन है? तुम वहां के बड़े ऑफिसर हो, कैसे सेट करना है ये तुम्हारा काम। हाँ, तुमने अगर ये काम कर दिया तो ये सारे नोट तुम्हारे हैं, पूरे 5 पेटी हैं। लेकिन तुम्हें ये पेपर्स क्यों चाहिए? तुम आम खाओ, पेड़ क्यों गिनते हो? गिनती सौदे में अच्छी होती है भैया, साफ साफ बताओ तो मैं भी कुछ सोच सकूं, जिसमें तुम्हारी मदद भी हो सके और मेरा फायदा भी। तुम वादा करो ये बात तुम तक ही सीमित रहेगी। मैं वादा करता हूं। ऐसे नहीं, बच्ची के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। ठीक है। अनु, अनु। हाय पापा। अरे मेरा बेटा। विल्की साहब, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इसके सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि हमारी बात अपने तक ही रखूंगा। तो सुनो। जाओ बेटा खेलो। गो 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 गो। कहिए। मैं जाली स्टैंप पेपर प्रिंट करना चाहता हूं। क्या? हाँ, मेरा वही कारोबार है, पहले मुझे कोई और माल सप्लाई करता था, अब मैं खुद बनाना चाहता हूं। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है। कोई रिस्क नहीं, पिछले 2 साल से मैं ये कारोबार कर रहा हूं, लेकिन किसी को कानो कान ये खबर नहीं हुई। लाखों करोड़ों की कमाई है।
तुम भी कमा सकते हो माथुर साहब, सोचने में वक्त मत गंवाना। माल कहां से मिलता है तुम्हें? ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम अपने कार्ड्स ओपन रखो तो ज्यादा फायदेमंद होगा। अपनी बच्ची की कसम खा चुका हूं मैं। कलकत्ता से। बेलगी साहब, स्टैम्प पेपर्स प्रिंटिंग करके बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हो तुम। जोखिम उठाने में मुझे खुशी मिलती है। लेकिन वो काम ही क्यों करे जो मुश्किल हो? उस काम को आसान भी तो बनाया जा सकता है भैया। मतलब? वेलगी साहब, हमारी प्रेस में छपने के बाद ये स्टैम्प पेपर्स पूरे भारत की हर सिटी में भेजे जाते हैं, लेकिन पार्सल के साथ कोई नहीं जाता। प्रेस की जिम्मेदारी में ये स्टैम्प पेपर्स रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना होता है, बस। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म। फिर रेलवे पुलिस और रेलवे अथॉरिटीज की निगरानी में ये पेपर्स पूरे देश में भेजे जाते हैं। अगर हम रेलवे के किसी अधिकारी को अपने प्लान में शामिल कर लें तो ना ही हमें पेपर्स चोरी करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही तुम्हें स्टैम्प्स प्रिंट करवाने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल तैयार माल मिलेगा। हिंग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। वाह माथुर साहब वाह, क्या बात है। लेकिन रेलवे में कोई भरोसे का अफिसर पहचान का है? हाँ, एक अधिकारी है, कमांडर सीटी पवार। पवार साहब, ये वेलगी भाई हैं, अब्दुल रहीम वेलगी। यारों के यार हैं। हमारे पास एक प्लान है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, अपना काम भी नहीं। इसके बदले आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। देखिए माथुर साहब, वेलगी भाई, कार्ड्स अगर ओपन हो तो काम करने में कुछ मजा आता है। मेरे कार्ड्स हमेशा ओपन ही रहते हैं। तो क्या प्लान है तुम लोगों का? मैं बताता हूँ। वैसे पवार साहब, हर एक को रुपए मिलेंगे, हम मिल बांटकर खाने में ही विश्वास रखते हैं। अरे आप हम पर विश्वास करके देखिए, देखिए काम कैसे होगा, लाखों करोड़ों के पार्सल गायब कर दिए जाएंगे। यही तो चाहते हैं हम। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं हवलदार, मैं हवलदार अरशद खान बोल रहा हूँ। हमारी गाड़ी ने मनमार रेलवे स्टेशन छोड़ दिया है। हमारे ठिकाने पे कब तक पहुँचोगे? 15 मिनट बाद हम लोग माल फेंकेंगे। आपका आदमी तैयार है ना? कहिए पोटे साहब, कैसे याद किया? वेलगी जी, इलेक्शन नजदीक है, मैं इलेक्शन में खड़ा रहना चाहता हूं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुझे टिकट नहीं दे रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि खुद की पार्टी तैयार करूं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए लाखों रुपयों का खर्चा है। रुपयों का मुझ पर छोड़िए, लाखों करोड़ों रुपया मैं तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी में लगाऊंगा, लेकिन मेरी हैसियत क्या होगी? हम संस्थापक होंगे, फाउंडर मेंबर्स, सारा कंट्रोल हमारे पास होगा। देखो आजकल किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। हाँ हाँ। 10 या 15 MLA कम पड़ते हैं। अगर हम 10 या 15 MLA चुनकर ला सकते हैं तो हमें अच्छे से पोर्टफोलियो मिल सकते हैं। आइडिया तो अच्छा है। इसके लिए 5 करोड़ का खर्चा है। और पार्टी का नाम होगा? किसान मजदूर विकास पार्टी।
कि पार्टी आंध्र में भी चलेगी और वहां के कुछ लोग हमारा साथ देने के लिए भी तैयार हैं। कौन? चंद्रा यादव। चंद्रा यादव। अब्दुल रहीम वेलगी। आपसे मिलने खास मैं हैदराबाद आया हूँ। आपका तो बहुत नाम सुना हूँ, आप मुंबई के बड़े बिजनेसमैन हैं ना? आप पॉलिटिक्स में बरसों से हैं या नए नए आए? अभी आपसे क्या छुपा है, कच्ची शराब, जुए के अड्डे, मटके के धंधे, कॉल गर्ल्स के रैकेट्स, ये सब दो नंबर में बहुत पैसा कमाया। हाँ। गुंडों को तो पालक ही रखा था। इलेक्शन में खड़ा हुआ। अच्छा? पैसा बांट के जीत के भी आया। हाँ। लेकिन अपनी इमेज को सुधारने के लिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो दो नंबर के सारे धंधे बंद कर दिए। लेकिन जो कमाई दो नंबर में है वो एक नंबर में कहाँ है? यादव साहब, आपके पास हिम्मत और ताकत है तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। अच्छा? वैसे भी मैं अपना कारोबार दूसरे स्टेट में फैलाना चाहता हूँ। मुनाफा कितना मिलेगा? बेहिसाब। अरे तो हुकुम कीजिए ना, हम जरूर करेंगे। तो ये लीजिए। ये क्या, बातचीत के पहले ही स्टैंप पेपर निकाला? वेलगी कभी भी किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि स्टैंप की औकात क्या है। हमें इसी पर तो धंधा करना है। मैं समझा नहीं। आप पूरे आंध्रा का डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, हम पूरे आंध्रा के लिए आपको स्टैंप पेपर सप्लाई करेंगे। ये बोगस तो नहीं है? नहीं नहीं, असली है, हमें सस्ते दामों में मिलते हैं। हम आपको आधी कीमत में देंगे, पूरा 100% मुनाफा है। मंजूर? मंजूर। मैं फरहान बेग, आंध्रा के एमएलए चंद्रा यादव ने मुझे आपके बारे में बताया था। मैं बेंगलोर से मुंबई आया था, सोचा आपसे मिलता हुआ चलूं। तो आप कर्नाटक से हैं? हाँ, मैं कर्नाटका पॉलिटिक्स में हूँ। मैं भी कर्नाटक से ही हूँ। अरे वाह, बड़ी खुशी होती है बेलगी साहब जब कोई अपने स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में आके कामयाब होता है। जैसे आपने चंद्रा यादव को स्टैम्प पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन आंध्रा का दिया है, वैसे ही मैं कर्नाटका का एरिया संभालना चाहता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। कैसी बात करते हो बेग साहब, आप तो हमारे स्टेट के हैं, हमारे खासम खास आदमी हैं। वैसे क्या शर्त होगी? जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। गुजरात में मेरे एक रिश्तेदार हैं, इस्माइल सिद्दीकी, उन्हें अच्छा? कुछ माल चाहिए। तो उनसे कहिए मुझे फोन करके कांटेक्ट करें। कौन चाहिए? ओके, जस्ट अ सेकंड। सर, आपके लिए दिल्ली से अजीत पतौड़ी का फोन आया है। हाँ हाँ, दे दो। ओके ओके। वेलगी साहब, दिल्ली से अजीत पतौड़ी बोल रहा हूँ। हेलो अजीत, कैसे हो? सर फर्स्ट क्लास, बस आपके राज में जी रहे हैं। चंगा था वेलगी साहब। हाँ। नया माल चाहिए। कितना? ओ, 5 करोड़ का। पहुँच जाएगा। ओ, थैंक यू वेलगी साहब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वेलगी भाई, अहमदाबाद से इस्माइल सिद्दीकी बोल रहा हूँ, कैसे हो? माल पहुँच गया ना? हाँ माल पहुँच गया। हाँ, पेमेंट वक्त पर पहुँचा देना, दूसरा माल पहुँच जाएगा। अरे पेमेंट की फिक्र मत करो वेलगी भाई, हमारा पेमेंट तो टाइम टू टाइम पहुँच जाता है। हेलो सर, आपके लिए बेंगलोर से बेग साहब का फोन है। ओके। आदाब अर्ज है। क्या कहा, माल 2 दिन हो गया नहीं पहुँचा? अरे क्या करें भाई, माल की डिमांड ही इतनी है कि पूरा करते करते नाक में दम आ जाता है। हाँ बिल्कुल साहब, अरे इस बार जरा इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, कुछ पैसों का इंतजाम तो कीजिए। हाँ, हमने भी एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू की है। अच्छा? पॉलिटिक्स की आड़ में ऐसे वैसे कारोबार करना आसान होता है ना। ओहो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे क्या नाम है पॉलिटिकल पार्टी का? किसान मजदूर विकास पार्टी। नमस्ते साहब,
नमस्ते। बैठिए बैठिए दोस्तों। हाथी पर काबू पाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? अंकुश। सत्ता की लालची पार्टियों पर अंकुश रखने की जरूरत है। ये काम कौन करेगा? अपनी किसान मजदूर विकास पार्टी। बिल्कुल। अगर हमारे 10-15 एमएलए भी चुनकर आएंगे तो हमारे बिना कोई भी दल सरकार नहीं बना पाएगा, और अगर हम सरकार में रहेंगे तो उन पर अंकुश भी रख सकेंगे। तो अभी आज से काम पर लग जाओ। क्या बात है, तुम सोई नहीं अभी तक? अब तो आदत पड़ गई है आपका इंतजार करते करते। क्या करूं साजिदा, कारोबार इतना बढ़ गया है कि 18-18 घंटे काम करता हूं फिर भी काम खत्म नहीं होता। तुम्हारे और रूना के लिए वक्त ही नहीं दे पा रहा हूं। देखिए, मैं समझती हूं आपकी भागदौड़ को, आपकी जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे, लेकिन मैं भी क्या करूं, अकेली पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूं। तो कुछ सहेलियां बनाओ, शॉपिंग के लिए जाया करो, रुपए पैसे की कमी है क्या अपने पास? वक्त यूं गुजर जाएगा। रिश्तेदारों में आना जाना शुरू करो। कल कुछ रिश्तेदारों को बुलाया है मैंने, अब ये मत पूछना क्या है। क्या है? हाय अल्लाह। अरे कल तो रूना का बर्थडे है ना। हाँ हाँ रूना, जल्दी केक काटना, जल्दी काटना केक। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम सलाम परवेज बेटा, अकेले आए हो? बिल्कुल अकेला नहीं है, इसके साथ हम हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। जीते रहो बेटी। रहीम कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा? 10 बार मोबाइल पे फोन कर चुकी हूँ, काम में बिजी हूँ, बस यही लगा रखा। अरे बेटी, ऐसा भी क्या काम कि बेटी की खुशी में शिरकत करने का मौका ना मिले, वक्त ना मिले? कारोबार इतना फैला जो लिया है चाचा जान। तो बेटे हम किस दिन काम आएंगे? थोड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप दे और थोड़ी परवेज को। हम रिश्तेदार भी हैं और भरोसेमंद भी हैं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया चाचा जी। आजा बेटे। वालेकुम सलाम, सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू दादा जान। देखिए ना मम्मी, पापा अभी तक नहीं आए, मेरी सारी सहेलियां केक काटने के लिए इंतजार कर रही हैं। आप फोन करके देखिए ना। हाँ मैं फोन करती हूँ जी। चाचा जान मैं जरा फोन करके आती हूँ। जरूर। क्या हुआ आपको, अभी तक नहीं आए? सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। साजिदा, इंसान जब बीबी बच्चों के लिए टाइम देता है तो ढेर सारे रुपए नहीं दे सकता, और जब ढेर सारे रुपए देता है तो बीबी बच्चों के लिए वक्त नहीं दे पाता। अब ये तुम्हें खुद ही फैसला करना है कि वक्त चाहिए या पैसा। खैर तुम पार्टी शुरू करो, मैं पहुंच ही रहा हूं। ओके। एक्सक्यूज मी, आपको किनसे मिलना है? वेलगी साहब से मिलना है। अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट टू हेल्प विथ योर अपॉइंटमेंट। वो दो घोड़ी का आदमी हमारी वजह से, इस क्रिस्टोफर की वजह से इतना बड़ा आदमी बन गया, और उसको मिलने के लिए हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। किधर है मैन, बताओ उसको माया है। अंदर नहीं जा सकते। ए मैन, तेरे साहब को बोल सीधा सीधा हमसे मिलता है या उसके सारे राज दुनिया को बता दूं। साला एक फोन ये क्रिस्टोफर मारेगा ना, एक फोन तो तेरा वो वेल्गी 12 के भाव में 14 साल के लिए जेल के अंदर जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ? वेल्गी साहब देखिए ना, वेल्गी साहब देखिए, वो मैडम हमको आपसे मिलने के लिए रोक रहा है, बोलता है अपॉइंटमेंट है हमको क्रिस्टोफर को। आप बताइए ना, हम आपका पुराना आदमी है, कितना पुराना आदमी है ना। अंदर आओ। देखा देखा, अंदर आने को बोला। क्या हुआ, शोर क्यों मचा रहे थे? वो मैडम हमको आपसे मिलने के लिए रोक रही थी। खैर बल्कि साहब, मुझे 50 रुपए की सख्त जरूरत है, नहीं तो हमारी जान जा सकती है मैम। क्रिस्टोफर, जुए की आदत को कम कर दो, वरना मेरी सारी दौलत तुम्हें कम पड़ेगी। अब क्या बोलता है मैम, हम और जुआ, हम जुआ नहीं खेलता, ये तो पुराना कर्जा है, गॉड प्रॉमिस। मैं भी पुराना कर्जा ही दे रहा हूँ, गलत लोगों को नजदीक लाने का मुआवजा, ये लो। थैंक यू वेलगी साहब, थैंक यू। मैन कुछ और मिलेगा?
अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। अरे जाता हूँ ना वेलगी साहब, अभी के लिए काम चल जाएगा, बाद का बाद में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैडम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा है। आजकल तुम्हारा बॉयफ्रेंड नजर नहीं आता। अरे वो तो मुझे भी नहीं दिखता, कहीं तुम्हारे बीच अनबन तो नहीं हो गई? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, हाँ क्या गोवा, क्या बोल रहे हो? पैसे कमाने का नया इजी वे मिला है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मिस्टर वेलगी, तुम्हारा बॉस, उसे खिटपीट हो गई है? अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारा हाईवे पर इंतजार करती हूँ। अच्छा यार मैं चलती हूँ। कहाँ? अरे वही बॉयफ्रेंड का चक्कर। गर्लफ्रेंड एंड गोवा। कमिंग सर। हाँ आइए सर। वो खाई के पास जो लाश मिली थी उसकी शिनाख्त हो गई है सर। किसकी लाश है सर? वो कोई क्रिस्टोफर ब्रिगेंजा, उनकी लाश है सर। किसने की सर? इन्होंने की सर। वो कौन आई है? मैं उनकी गर्लफ्रेंड। अच्छा आपको किस पर शक है? उनके बॉस मिस्टर वेलगी, उनके साथ उनका झगड़ा हुआ था उस दिन, मुझे उन्हीं पर शक है। वेलगी? अच्छा कहीं आप अब्दुल रहीम वेलगी की तो बात नहीं कर रही है? जी हाँ वही। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बिकती नहीं? हर चीज बिकती है, सिर्फ खरीदने वाला चाहिए। वैसे क्या क्या नहीं खरीदा हमने, बड़े बड़े बैरिस्टर, मिनिस्टर, कलेक्टर, जज, सबको तो खरीदा है हमने। उस इंस्पेक्टर से पूछो जी, क्या कीमत है उसकी? मैंने उस इंस्पेक्टर को इधर ही बुलाया है। क्या नाम है? कामत, दीपक कामत। मैं इंस्पेक्टर दीपक कामत। आइए इंस्पेक्टर, हाईवे पुलिस स्टेशन इंचार्ज। तशरीफ रखिए। वैसे वेलगी साहब, आपने ऑफिस तो बहुत बढ़िया बनाया है। हम आदमी भी बहुत बढ़िया हैं। वैसे इंस्पेक्टर, आपकी वर्दी में जेब कितनी है? जेब? हाँ पॉकेट। मेरे ख्याल से शर्ट को 2 पॉकेट और पैंट को 4, 2 आगे 2 पीछे। और वेलगी साहब, यहाँ एक चोर पॉकेट भी है।
पुलिस की वर्दी में चोर पॉकेट। वैसे इंस्पेक्टर आपकी जेब में कितनी नोटें समा सकती हैं? डिपेंड्स, गांधी हो तो 2 पेटी और बड़ी नोट हो तो? बड़ी नोट हो तो 4-5 पेटी तो आराम से समा सकती है। हम हमेशा बड़ी नोटों में ही डील करते हैं। अब बताओ क्या कंप्लेन है हमारे खिलाफ? कंप्लेन थोड़ी सीरियस है विल्की साहब। क्रिस्टोफर ब्रिगेंजा का मर्डर हुआ है और उसकी गर्लफ्रेंड को आप पर शक है। मर्डर के दिन उसका आपसे झगड़ा हुआ था और यह बात क्रिस्टोफर ने अपनी एक गर्लफ्रेंड को बताई थी। अगर मुझे उसकी गर्लफ्रेंड पर शक है तो क्या आप उसे गिरफ्तार करोगे? क्या है विल्की साहब, रूटीन इंक्वायरी तो करनी पड़ती है ना। रूटीन इंक्वायरी करो इंस्पेक्टर, लेकिन क्रिस्टोफर की गर्लफ्रेंड के खिलाफ। उसके खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठा करो और डाल दो साली को 5-10 साल के लिए अंदर। हमने तुम्हें ये 5 पेटी इसी काम के लिए दिए हैं, ऐसा हो सकता है ना इंस्पेक्टर? वेलगी साहब, अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। आप इत्मीनान रखिए, वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। थैंक यू। और इंस्पेक्टर जी, अगले टाइम मिलना हो तो जैकेट पहनना ना भूलिएगा। जैकेट? क्योंकि उसमें 4 पॉकेट ज्यादा होते हैं ना। ओ, क्या बात है। वेलगे, ये तुम्हारा पेमेंट लेकर आया हूँ। मैं भी पेमेंट लेके आया। पूरे 2 खोखे हैं। अपना पूरा 1.5 खोखा है, गिन लो। अरे आप लोगों पर पूरा विश्वास है मुझे। क्यों वेलगे, रात को कुछ जश्न वश्न का इंतजाम किया है कि नहीं? क्यों नहीं, आप लोगों को ऐसे ही कोरे थोड़े जाने देंगे। आज शाम को आप लोगों का पूरा इंतजाम है मनोरंजन का। Touch me honey honey, give me money money, touch me honey honey, give me honey money, touch me honey honey, oh honey. Oh babu, oh babu, oh babu, babu babu. Aha. सौदा है क्या तुम्हारा इरादा है? जलवे है अदा है दिल की ये सदा है, पैसा ही अपना खुदा है। रिकम्बो रिकम्बो रिकम्बो, अपना तो वादा है कैश का सौदा है क्या तुम्हारा इरादा है? जलवे है अदा है दिल की ये सदा है, पैसा ही अपना खुदा है। So give me money money, touch me honey honey, give me money money, touch me honey honey, oh honey. समझो ओ बाबू इशारा, नोटों का खेल है सारा, जेब से माल लुटाओ जरा, जीतोगे फिर दिल हमारा।
नशा है आंखों में, आ जा तू बाहों में, भूल जाएगा अपने सारे गम। रस है होठों में, जादू है बातों में, देखे तुझ में है कितना दम। ओ बाबू रिकम्बो 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 रिकम्बो, नशा है आंखों में, आ जा तू बाहों में, भूल जाएगा अपने सारे गम। रस है होठों में, जादू है बातों में, देखे तुझ में है कितना दम। Give me money, money, touch me, honey, honey. Give me money, money, touch me, honey, honey. Oh, honey. Oh, babu, oh, babu, oh, babu, oh, babu. Samjho, oh, babu, ishara. Noto ka khel hai sara. Jeb se maal lutao zara. Jeetoge phir dil humara. Give me money, money, touch me, honey, honey. Give me money, money, touch me, honey, honey. Give me money, money, touch me, honey, honey. Oh, honey. Oh, honey. पोटे साहब मुबारक हो, मुबारक हो। बड़ी धूम मची है पोटे साहब। हाँ, बात ही ऐसी है कि जश्न मनाया जाए। हाँ। हमारे 9 कैंडिडेट्स विधानसभा में चुनकर आए हैं। हाँ। उसमें से एक मैं भी हूँ। हाँ। वैसे तो इसके असली हकदार आप ही हैं। इतना पैसा जो लगाया आपने इसके पीछे, इसीलिए सब कुछ हो पाया। अब हम किस पार्टी का साथ देंगे? जो पार्टी हमारी शर्तें मान ले। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा का उपाध्यक्ष पद पोटे साहब को ही मिले। बेलगी जी, ये जो प्रथमेश तोतला है, इनका एक बिजनेस प्रपोजल है। अच्छा। ये चाहते हैं कि इनकी बिजनेस में आप कुछ इन्वेस्ट करें। क्या प्रपोजल है? हम लोग एक पेट्रोकेमिकल कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। नाफ्ता इंपोर्ट करेंगे। अच्छा। नाफ्ता जिसका इस्तेमाल पेट्रोल और डीजल में मिलावट करने के लिए हर पेट्रोल पंप वाला और टैंकर वाला करता है। अपने पास नाफ्ता की इतनी डिमांड बढ़ेगी कि हम लोगों को सप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो बस सिर्फ इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत है। अरे पोटे साहब, जब पॉलिटिक्स में हैं तो हमें किस बात की चिंता है? हाँ, पॉलिटिकल फील्ड मैं देख लूंगा, बिजनेस फील्ड आप देखना। तो मैं क्या समझूं, मेरे इस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। हमारे पास रुपयों की कोई कमी नहीं है। हमारा जब भी मन करता है रुपए पैदा कर लेते हैं। चलो लेट्स एंजॉय। ओके, ये सब मैंने लिख दिया है। इसे फाइल करो। सर, सर हमारे खबरी का कहना है कि सुरेश पाटिल नाम का शख्स जिस मोहल्ले के अंदर रहता है वहाँ पर रात बिरात कई गाड़ियाँ आती और जाती है सर। अच्छा। और उन गाड़ियों में बक्से भरकर ले जाते हैं सर। देखा जाए तो सारा मामला शक के दायरे में है। अच्छा। और सुना है वहां पर लाखों की लेन देन भी होती है। अच्छा। थैंक्स मिस्टर परमार फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर। हो सके तो आज रात में ही मैं रेड मारूंगा। ए, रुक जाओ, क्या है ये? ये सब क्या है? साहब मालूम नहीं। साहब मालूम नहीं? स्टैम्प पेपर्स, ये सब किसका है? साहब हम तो मजदूर हैं, सामान ढो के मजदूरी लेता है साहब। ये काम तुम्हें देता कौन है? कौन देता है काम तुम्हें ये? हम स्टैम्प पेपर सप्लाई करते हैं। हाँ? और कानूनी लाइसेंस भी है हमारे पास। कानूनी लाइसेंस? नीचे आओ, नीचे आओ। लाइसेंस है? हाँ? सच सच बता। अरे सचमुच सर, ये बिजनेस है हमारा। अरे छोड़ो ना सर, क्यों गरीब की जिंदगी में दखल दे रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर दी जाएगी। अच्छा, फिलहाल तो मुझे तू
और तेरा ये माल चाहिए। क्या नाम है तेरा? इस्माइल सिद्दीकी। कहाँ का रहने वाला है? बेंगलोर। बेंगलोर? हवलदार इधर आओ। ये सब नकली है ना? नकली माल बेचते हो? नकली है ना? बोल। बता। नहीं मालूम। बता। बता ये कहाँ से आते हैं? बता। बॉम्बे से। बॉम्बे से? बॉम्बे से कहाँ से? बता। 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 सरे कौन दे रहा है तुझे माल? बता। नहीं मालूम। अरे कुछ तो करता होगा ना? फोन वोन हो तुझे? फोन? हाँ। क्या क्या नंबर है उसका? नहीं मेरे को नहीं मालूम, वही फोन करता है। इसी फोन पर ही फोन करता है ना वो? जी हाँ। अच्छा 9823056787। जी हाँ, मुझे उसके मालिक का नाम और पता चाहिए। हाँ जल्दी करना परमार, एड्रेस लिख लो। क्या पता है? मदन कारला। मदन कारला? हाँ। देशमुख चाल। देशमुख चाल। धारावी। बहुत गड़बड़ हो गई, हमारा 21 लाख का माल अहमदाबाद में पकड़ा गया। क्या इतना बड़ा नुकसान? पैसों को मारो गोली चाचा, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। अगर सरकार को हमारे इस धंधे की जरा भी भनक पड़ गई तो हमें ये अपना धंधा हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। वकील साहब, आप उनके वकील बनकर अहमदाबाद जाओ और देखो कोई मुंह खोलने ना पाए। चाचा। क्या? जो भी मुंह खोले उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। रिसेंटली इस्माइल सिद्दीकी को इसी मोबाइल से फोन किया करते थे ना, आज से ये मोबाइल बंद। क्या धारावी में देशमुख चाल नाम की कोई चाल ही नहीं? और ना ही सर वहां पर मदन कारा नाम का कोई आदमी है। तुमने पूरी तरह से तफ्तीश की ना? यस सर, मैं मोबाइल कंपनी के ऑफिस में भी गया था। कुछ प्रूफ लाए हो? यस सर, ये है उसका फोटोग्राफ और फोन बंद है सर। इतनी कम उम्र का बच्चा इतना बड़ा कांड नहीं कर सकता। राइट सर। आई एम डैम श्योर ये सब बोगस डॉक्यूमेंट्स देकर वो मोबाइल नंबर हासिल किया गया है। साचु कहो चो। हेलो बेलगी, मैं बेंगलोर से फरहान बेग बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बेग साहब। अरे भाई खुशी की बात यह है कि मैं एमएलए का इलेक्शन जीत गया हूँ और मुझे खेल मंत्री बना दिया गया है। मुबारक हो बेग साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हाँ बेलगी, सुना है कि हमारा रिश्तेदार इस्माइल सिद्दीकी जो अहमदाबाद में स्टैम्प पेपर का कारोबार करता था वो माल के साथ पकड़ा गया? हाँ मुझे भी अभी खबर मिली है, मैंने चाचा और वकील को उसकी रिहाई के लिए भेज दिया है। थैंक यू। आप फिक्र मत करो, अब तक तो छूट ही गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, जो आपने मेरी जमानत करवाई। अरे शुक्रिया तो रहीम का अदा करो जिसने खबर मिलते ही हमें यहाँ भेज दिया। अब हमें जाना कहाँ चाचा? मुंबई रहीम के पास। तुम इस गाड़ी में बैठो, हम उसमें बैठते हैं। अरे यार तुमने जंगल में गाड़ी कहाँ रोक दी? क्या करूँ बॉस, बहुत जोर के आई है। ये है समीर बाहुबल, हमारे बहुत ही करीबी दोस्त। इनके चाचा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जगन बाहुबल, विरोधी पक्ष नेता
अरे हाँ हाँ, उनको कौन नहीं पहचानता भाई। लेकिन वो है विरोधी पक्ष में और हम लोग आज सत्ता में हैं सत्तारूढ़ पक्ष के साथ हाथ मिलाने के कारण। वैसे उन्होंने हमें कहा था अपने साथियों के साथ कोऑपरेट करने के लिए, लेकिन उस समय हमने वो ठीक नहीं समझा, उसके कारण वो नाराज तो नहीं हमसे। अरे क्या पोटे साहब, आप भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हैं भाई। सियासत में तो कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। अब देखो, जिसे जहां पर सत्ता का मौका मिलता है उसने वहां पर सत्ता हासिल करनी ही चाहिए भाई, यही तो सियासत का पहला सबक है, क्यों? अब ये देखो, उनके खेमे में जब आपको सत्ता का मौका मिला तो आप वहां पर चले गए, क्यों? कल अगर हमारे खेमे में आपको सत्ता का मौका मिलेगा तो आप हमारे खेमे में आ जाओगे ना। तो फिर इसमें जानी दुश्मनी कैसी भाई? बड़े प्रैक्टिकल और सुलझे हुए विचार है आपके। कहिए, क्या खिदमत करूं आपकी? वैसे फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन अगला इलेक्शन तो करीब है ना, तो हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें भाई। उसके बदले में आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। पोटे साहब, अगली बार हम इनकी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। कम से कम इनकी पार्टी हमारे जैसे बिजनेसमैन लोगों का ख्याल तो रखती है। लेकिन उसके लिए 1-1.5 साल और बाकी है। हाँ भाई, पर उसके लिए तो अभी से मोर्चा बांधना पड़ता है ना। अगर हम सब एक हो जाएंगे ना तो हम करोड़ों में नहीं अरबों खरबों में खेलेंगे। हाँ। हमारी तो यही ख्वाहिश रहेगी कि हम सब अरबों खरबों में खेलें। हाँ भाई, क्यों नहीं। हाँ बेलगी, मैं बेंगलोर से फरहान बेग बोल रहा हूँ। कारोबार में अपनी और गैरों की पहचान रखो, वरना तुम्हारी छोटी सी गलती तुम्हारे पूरे राजपाट को चौपट करके रख देगी, समझे? आप सही बोले बिग साहब, उस वेल्गी को जरा ज्यादा ही मस्ती आ गई है। दोनों हाथ से पैसा समेट रहा है ना साला। उसका वो दोस्त पोटे, महाराष्ट्र का एमएलए, उसके बलबूते पर वो कुत्ता है। अरे वो एमएलए हुआ तो क्या हुआ, हम भी आंध्र के एमएलए है, आप तो कर्नाटक के मिनिस्टर हो बेग साहब। उसने बेग से दुश्मनी ली है, बहुत महंगा पड़ेगा उसे। मैंने तो ये सोचा है उसके धंधे पे कब्जा कर लो, पता तो चले वो माल कहां से ला रहा है। अरे उसका लिंक तो पता चले, फिर साले को पूछता कौन है। वो लिंक ढूंढने की कोशिश मैं करता हूँ। हम दोनों ये धंधा शुरू कर सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों भाई वेलगी, इतना परेशान क्यों? ये आंध्रा और कर्नाटक वालों ने तो धंधा करना मुश्किल कर दिया है। क्यों? कर्नाटक तो तुम्हारा वतन है ना, वो लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करते। तुम्हें उस बेग के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था, साला 12 का है और कुछ भी हो मिनिस्टर है, कुछ भी कार्रवाई कर सकता है। वो क्या कार्रवाई करेगा, वो खुद भी तो मेरे साथ बराबर का शरीक है। शरीक है, शरीफ नहीं। लेकिन उसकी तो कर्नाटक में चलती है ना, यहाँ तो हमारा और तुम्हारा राज है ना। अब सरकार बदल गई है, हमें कौन सा खाता मिलता है क्या मालूम। अरे नरेश मांजरेकर, आओ आओ बैठो। आदाब 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 वेलगी साहब। आदाब, कहो नरेश मांजरेकर, क्या बनाना चाहते हो? मेरी फिल्म का नाम है जिस देश में नंगा रहता है। पब्लिक को बेवकूफ बनाने का पूरा इंतजाम करके आए हो। वेलगी साहब, आपका आशीर्वाद चाहिए, फिर देखिए फिल्म किस तरह हिट हो जाती है। कितना फाइनेंस चाहिए तुम्हें? 6 खोखा। 6 खोखा, डन। लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलिए। फिल्म का बैनर मेरी लड़की के नाम पर होगा, रूना फिल्म कॉर्पोरेशन। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम रहीम मियां। चाचा, वसूली का हिसाब हो गया क्या? हाँ, मैंने पूरा हिसाब लिखा है, बताता हूँ। आ...
हैदराबाद से यादव का 2 करोड़, कर्नाटक से बेग का 15 करोड़ बाकी है, दिल्ली से कल पटौदी का 5 करोड़ मिल गया है, वसूली हो गई है, बंगाल और बिहार का 14 करोड़, कल परवेज लेकर आ रहा है। रहीम बेटे एक बात बताओ, इतना रुपया तुम कहां लगाओगे? चाचा वो फिल्म डायरेक्टर नरेश माजरेकर है ना, कल मेरे पास फाइनेंस के लिए आया था, सोच रहा हूं फिल्मों में भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करूं। हाँ आइडिया बुरा नहीं है, अलग अलग धंधों में अपना रुपया लगाकर अपने नए नए धंधे सेट करते रहो। रुपए से रुपया कमाया जाता है, वो प्रथमेश तोतला है ना, उसके प्रोजेक्ट में रुपए इन्वेस्ट किए, पेट्रोकेमिकल कंपनी शुरू की है, उसमें भी अच्छी आमदनी हो रही है, अब फिल्मों में भी किस्मत आजमाते हैं। मैं क्या कहता हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए, आप कोशिश तो कीजिए, अपक्ष उम्मीदवार हमें जरूर साथ देंगे। उन सबसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश ही कर रहा हूँ मैं। काका हमें 2/3 बहुमत के लिए और कितने उम्मीदवार कम पड़ रहे हैं? 6 उम्मीदवार चाहिए बस। तो समझो आपका काम हो ही गया। वो दुलिया के आमदार है ना पोटे साहब, अच्छा? सुनील पोटे, उनसे मेरी जान पहचान भी है। अच्छा। और उनके पार्टी के 7 सदस्य चुनकर भी आए हैं। अच्छा अच्छा। अगर अगर आप कहे तो मैं उनसे बात करता हूँ। नेकी और पूछ तुरंत उनसे संपर्क करो, वो हमें सपोर्ट करेंगे तो हम सत्ता हासिल कर सकते हैं। ठीक है चलिए। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम सलाम बेटे। ये 14 करोड़ का बंगाल और बिहार का पेमेंट आया है। इनमें से 6 करोड़ डायरेक्टर नरेश मांजरेकर के यहाँ पहुंचा दो, रहीम ने कहा है। चाचा जान फिल्म बना रहे हैं? इरादा तो यही है। तब तो उसमें मैं भी एक रोल करूंगा। वो बाद में करना, पहले तुम हैदराबाद जाकर चंद्र यादव से पेमेंट ले आओ, तुम्हारी फ्लाइट की टिकट बुक हो गई है, जाओ। सबको हीरो बनना है। अच्छा तो ये बात है, लेकिन आपकी पार्टी को सपोर्ट करने में हमारा क्या फायदा होगा? भाई आपकी सारी बातें मान ली जाएगी। और ये मुंह मांगा। आप सिर्फ आंकड़ा बताइए। देखो समीर, इस इलेक्शन में पोटे साहब का महत्व बहुत बढ़ गया है। उन्हें कोई छोटे मोटे खाते का मंत्री मत बनाओ, कोई अच्छा सा बड़ा पोर्टफोलियो दे दो। मैं तो कहता हूँ उन्हें विधानसभा का उपाध्यक्ष पद ही दे दो। हमारी भी यही ख्वाहिश है। पिछले चुनाव में हमने जिस पार्टी को सपोर्ट किया था उसने हमें मामूली सा पद दिया था, लेकिन इस बार हमें महत्वपूर्ण पद चाहिए। जैसे आप चाहो, यूं समझ लो कि पद मिल गया। मैं अभी काका से बात करता हूँ। काका। हाँ बोलो समीर। आनंदा जी बात में काका। हाँ। काहे की पोटे साहब राजी साले। हाँ बस उनकी एक ही शर्त है, उन्हें विधानसभा का उपाध्यक्ष पद चाहिए। हाँ उन्हें मेरे पास ले आओ। हाँ आमने सामने बैठकर सब कुछ तय कर लेंगे। ठीक है लाता हूँ। पोटे साहब भाई काका तो मान गए, बस अब सिर्फ एक मीटिंग करनी है। ठीक है, इस बार इनकी पार्टी में जाकर देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। विलगी ने भेजा आपको? हाँ। कितने रुपए के लिए? वो कुछ 2 करोड़ बाकी है। आप कौन लगते हैं उसके? भतीजा हूं मैं उनका, चाचा लगते हैं मेरे वो। चाचा 420 हमारे बलबूते पर करोड़ों रुपए में खेलता है और हमसे ही सब मांगता है, है? बासु जी अन्ना अंदर डाल ले साले को। ए, चल। अरे 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 मोहब्बत 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 ओए मोहब्बत 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 क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत क्या 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 क्या
मोहब्बत क्या होती है मोहब्बत क्या 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 कर्नाटका में उसे कौन बचा सकता है कमिश्नर कुमार जी सर सही ये है कुछ गोडाउन्स की लिस्ट वहां आप छापे मारो जहां पे जाली स्टैंप पेपर के घपले हो रहे हैं बड़े जोरों में चल रहे हैं इसमें उन लोगों को गिरफ्तार करो और इसका सबसे बड़ा सरगना है अब्दुल रहीम बेलगी जो मुंबई का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है इस केस को हैंडल करो इससे आपका नाम पूरे देश में हो जाएगा और आने वाली 26 जनवरी में आपको मेडल मिलेगा ऐसे मैं सिफारिश करूंगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये मेरा सौभाग्य होगा सर तो फिर जल्दी से जाइए और अपना काम शुरू कीजिए ओके सर थैंक यू वेरी मच सर विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सर ये क्या कर रहे हैं भाई जनाब अपने ही हाथों अपना धंधा चौपट कर रहे हैं देखो इमरान ये सियासत की बातें हैं तुम नहीं समझ पाओगे अगर हम बेलगी को गिरफ्तार नहीं करवाते तो वो हमारे पीछे 15 करोड़ का तकाजा करता और वो 15 करोड़ हम दे नहीं सकते इसलिए अगर 20-30 लाख का नुकसान हो भी गया फिर भी हम फायदे में हैं 15 करोड़ के अब भी गिरफ्तार होने के बाद वो हमारे लोगों को गिरफ्तार करवा सकता है अपनी जबान खोल सकता है तब तुम भूल रहे हो इमरान कि ये केस कर्नाटका में होगा जहां हमारा राज है हम जैसे चाहे उसे मोड़ दे सकते हैं और अगर यही केस दूसरे स्टेट में हुआ तो वहां हमारे हाथ में पावर नहीं होगा महान गए भाईजान आपकी सोच तो आसमान की बुलंदियों से भी ज्यादा ऊंची है बहुत दूर की सोचते हैं आप इमरान अगर पॉलिटिक्स में रहना है आंख कान और दिमाग बहुत तेज होना चाहिए लेकिन आपने अपने गोडाउन के तमाम लिस्ट तो उसको दे दिए
तुम शायद भूल रहे हो कि कोई भी गोडाउन हमारे नाम पे नहीं है। पर इसमें हमारे लोग भी तो गिरफ्तार हो सकते हैं और फिर उनकी जान भी तो जा सकती है। अपनी जान बचाने के लिए अगर उनकी जान जाती भी है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखना, कल सारे मुल्क में हंगामा मच जाएगा, हंगामा। सर, एक बहुत बड़ा रैकेट हाथ लगा आपकी दी हुई टिप पर। सभी लोगों का कहना है कि मुंबई का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अब्दुल रहीम वेलगी का हाथ है इस जाली स्टैंप पेपर घोटाले के पीछे। सर, उसके नाम का एक अरेस्ट वारंट चाहिए मुझे। आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, समझे? गो एन अरेस्ट हिम। सर, अरे इंस्पेक्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे सुनिए तो। हाँ, माल पहुँच जाएगा, लेकिन पेमेंट? मिस्टर वेलगी, यस, बेंगलोर पुलिस की तरफ से आपके लिए अरेस्ट वारंट है। मुझे अपने वकील से बात तो करने दो। नो, नॉट एट ऑल। कितने रुपए चाहिए तुम्हें मुझे गिरफ्तार न करने के? 5 पेटी, 10 पेटी, 25 पेटी, 50 पेटी, बोलो। मैं बिकाऊ नहीं हूं, पूरा 1 खोखा दूंगा। तेरे को मैं पुलिस का खोखा दिखाता हूं। क्या वेलगी को कर्नाटका पुलिस पकड़ के ले गई? हाँ पुटे साहब, जल्दी कुछ कीजिए। महाराष्ट्र में होता तो जरूर कुछ करता, महाराष्ट्र पुलिस की हिम्मत नहीं होती उस पर हाथ डालने की। समीर बहुबल से बात कीजिए, शायद उसके चाचा जगन बहुबल के एक फोन से हमारा काम हो जाए। समीर फॉरेन गया हुआ है, मैं खुद ही बेक्स से बात करके देखता हूँ। हाँ बेक्स साहब, एमएलए सुनील पोटे, महाराष्ट्र, पहचाना? हाँ पोटे साहब, बोलिए। नहीं नहीं, हमारे एक दोस्त अब्दुल रहीम वेलगी को आपके पुलिस पकड़ के ले गई है, आप उसे छुड़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए मामला बहुत संगीन है, गवर्नमेंट के साथ धोखाधड़ी करना मतलब अपने देश के साथ गद्दारी करने वाली बात है। ऐसे में मेरा सामने आना मेरी इमेज को खराब कर सकता है। आप थोड़ा सब्र कीजिए, जैसे ही मामला ठंडा हो जाएगा मैं आपकी कुछ ना कुछ मदद जरूर करूंगा। मामला ठंडा होने के बाद क्या फायदा, देखता हूँ। मैं जगन बाहुबल से बात करता हूँ, वो शायद डायरेक्ट तुम्हारे सीएम से बात करके कुछ रास्ता निकालेंगे। अब बच के कहाँ जाएगा? तो ये बात है। देखो पोटे, अगर हम इस झमेले में पड़ेंगे तो हमारी छवि जनता के सामने खराब हो जाएगी। उस मामले को मीडिया ने भी उछाला है, सभी की नजर उस पर होगी। कोई थोड़ा भी अगर वेलगी के लिए भागदौड़ करेगा तो बदनाम हो जाएगा। मेरी मानो, तुम भी जितना हो सके इस मामले से दूर रहो। जगन जी, बुरे वक्त में दोस्तों का साथ छोड़ना मेरे उसूलों में नहीं बैठता। वेलगी ने मेरी बहुत मदद की है, उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन जज्बात और सियासत दोनों बातें अलग अलग हैं। फिर भी एक बार कर्नाटका के सीएम को फोन करके देखिए ना, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। नहीं पोटे, मैं इस कांड में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। अब हमारा अगला कदम क्या होगा? वेलगी साहब की जमानत। जमानत तो आपको हर हालत में करवानी है। इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। जिस जिस को चाहें आप खरीद लें। और जहां तक सवाल है रुपए का, तो वो मैं पानी की तरह बहा दूंगा, लेकिन जमानत होनी चाहिए। वेलगी की जमानत किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, यही हमारा अगला कदम होगा। साला जेल में ही कच्ची हो जाना चाहिए। हाँ, अगर वो जमानत पे छूट गया
तो हमें भी धोखा हो सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस घटना की जानकारी मीडिया में रोज चर्चा में रहे ताकि उसकी जमानत ना हो। जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। काश ये केस महाराष्ट्र में होता तो मैं विलगी को यूं छुड़ा लेता। बोटे साहब, अगर महाराष्ट्र में रहीम के खिलाफ एक केस दर्ज करवा दिया जाए तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हम पुलिस को टिप देकर हमारा ही माल पकड़वा देंगे। जो लोग पकड़े जाएंगे वो पुलिस को विलगी का इनाम बताएंगे और फिर पुलिस को विलगी को महाराष्ट्र लाना ही पड़ेगा। और एक बार विलगी महाराष्ट्र में आ गया तो बस। आइडिया अच्छा है। मैं ये चाहता हूं कि ये केस जल्द से जल्द दायर करवा दिया जाए और इस केस में जो लोग पकड़े जाएंगे हमारे लोग, वो पुलिस के सामने वही बयान देंगे जो हम चाहेंगे। हेलो, बन गार्डन पुलिस स्टेशन पुणे से सुभाष देशमुख बोल रहा हूँ। क्या इंडिका कार रात 11 बजे कहाँ? पुणे स्टेशन। खबर पक्की है? ठीक है। हवालदार। यस सर। आज रात को बड़ी रेड लगने वाली है। हाथ चलो चलो जल्दी। हाँ, चलो लौकर। ए चल रहे मजा और बार लौकर। गाड़ी कर, चल लौकर, चल। ए गाड़ी कर लौकर, चल। अरे फिकर मत कर भिड़ू, हम सब संभाल के लेंगे। हाँ। अच्छा हम चलते हैं। अच्छी बात, चल चले, देर हो रही है। ओके बॉस, मिलते हैं। ओके भिड़ो। यार सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसा अपन को प्लान बताया है। क्या फिकर खाए को करता है भिड़ू, सब ठीक हो जाए। ए रुक जाओ। सलाम साहब। क्या है, क्या है तेरा नाम? जुम्मा। जुम्मा, और तेरा? माधव। गाड़ी में क्या है? कुछ नहीं साहब। हवालदार। यस सर। गाड़ी की तलाशी ले लो। जी सर। अरे स्टैंप पेपर सर, ये देखो क्या है। हाँ? ये है और कुछ नहीं बोलता है। बता, बताओ सालो, कौन है, कौन है जो सब कुछ करवाता है? बताओ बताओ। अरे बोल ना साले, मार, बोल, मारो सालो। बोल किसने किया? अब्दुल अब्दुल रहीम बेलगी। कौन है वो? बता बता, और बोल, हट, चल पता जल्दी, हट मार। और नहीं मालूम कौन है वो साहब। कौन है? हमें कहाँ है? हमें नहीं मालूम साहब। बता बोल। हमें तो सिर्फ ये माल बोल जल्दी डिलीवरी करने के लिए भेजा गया था साहब। ए किसको देना था डिलीवरी? मत मारो, बोल, मत मारो साहब। मुझे देना था। मारो साले। बताता हूँ, बताओ साहब। यहाँ यहाँ करवे नगर में एक फ्लैट है साहब। चल ना यार वहाँ जाके। पकड़ो सब लोग। अरे साहब साहब, अरे रेंद्र साहब, अरे साहब क्या? हेलो सर, बन गार्डन पुलिस स्टेशन का पीआई देशमुख बोल रहा हूँ। सर करवे नगर में जाली स्टैंप पेपर करोड़ों से मिले हैं। क्या? आप जल्दी आ जाओ। देशमुख सुनो, मेरे आने तक किसी को इन्फॉर्म मत करना, कॉन्फिडेंशियल। ओके थैंक्स। हेलो, अरेंज अ फोटोग्राफर इमीडिएटली। देशमुख आइए सर। वेयर इट इज? सी ये देखिए। 5,000, 2,000, 1,000, 500, 50, 20, oh no, 10 even. ये सब है? सब के सब भरे पड़े हैं सर। इंस्पेक्टर वेल डन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ फोटोग्राफर कामयाब, बैठ जाओ। चलो कर, चल इकड़े चल इकड़े। यही है ना दोनों? यही दोनों है। पूरा फ्रेम आ रहा है? हाँ
Just a bit, hold on. Deshmukh. Huh? Please go there. Okay. यहां से वहां तक. Click. मैं पुणे का मेयर, पुणे के तमाम नागरिकों की तरफ से पुलिस कमिश्नर श्री मंजीत सिंह वर्मा का सम्मान करता हूं, जिनकी वजह से करोड़ों के स्टैम्प पेपर घोटाला का पर्दाफाश हुआ. सर, थैंक यू. मैं कमिश्नर साहब से दो शब्द कहने को कहूंगा. रेस्पेक्टेड मेयर ऑफ पुणे सिटी, लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंट ओवर हियर, एंड माय डियर कोलीग्स, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इतनी बड़ी यहां इज्जत बख्शी. मैं वादा करता हूं कि जब तक मैं इस वर्दी में और इस ओहदे पर हूं, मैं समाज की बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने की और जड़ से उखाड़ने की पूरी कोशिश करूंगा. और साथ में मैं पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष देशमुख का भी सम्मान करता हूं, जिन्होंने इस केस की तफ्तीश की. इंस्पेक्टर देशमुख, प्लीज स्टेज पर आइए. चलो भाई, चलो चलो चलो, बाजू दो बाजू, रास्ता रास्ता, चलो चलो, साइड प्लीज साइड. हाँ, देशमुख, इन चारों ने वेलगी का ही नाम बताया है ना. और कहाँ कहाँ माल रखा है? सब, हमें तो सिर्फ थाना और भिवंडी के गोडाउन का पता है. क्या रे, क्या चल रहा है यहाँ पे? हमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा. क्या हो गया ये सब? बनाने गया था गणपति, बन गया मारुति. कभी सोचा भी नहीं था मामला इतना जोर पकड़ेगा. और आजकल ये मीडिया वाले भी किसी भी चीज को हाइप करके राय का पर्वत बना देते हैं. वो तो पहले से ही पर्वत था, लेकिन अब चकनाचूर होकर राई राई हो जाएगा. पहले बंगलोर में और फिर पुणे में लाखों करोड़ों का माल पकड़ा गया. अब सरकार चुप नहीं बैठेगी, ये सब महंगा पड़ेगा. कुछ हो सकता है. देखिए, मैंने मेरी तरफ से ईमानदारी से विल्की को हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मैं सामने आऊंगा तो इस कांड में खुद फंस जाऊंगा. फिर भी विल्की मेरा दोस्त है, तो डेफिनेटली मैं ऊपर की लेवल से उसे मदद करने की कोशिश करूंगा. इन नेताओं का भी कोई धर्मीमान नहीं होता, हाथ जोड़ते हैं और हाथ झटक के चल देते हैं. वकील साहब, अब हमी को कुछ ना कुछ करना होगा. चाचा, केस को कमजोर करना पड़ेगा. बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को रिश्वत देनी होगी. मैंने पुणे के एसीपी मोहम्मद दुरानी से बात की है. रुपया उठाओ और पुणे चलो. ठीक है. मैं एसीपी दुरानी. समझ गया. दुरानी साहब, हमारी जो आपसे बात हुई थी ना, उसी सिलसिले में हम आपसे मिलने आए हैं. चाचा, बात तो ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे कमिश्नर वर्मा से मिलना होगा. हाँ, लेकिन एक बात है, माल बहुत खर्चा होगा. उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, लेकिन अब्दुल रहीम की जमानत हो जानी चाहिए.
मैं आपसे वादा तो नहीं करता चाचा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। मैं कल ही कमिश्नर वर्मा से मिल लेता हूँ। ठीक है, आपकी उनसे जो भी बात हो मुझे फोन पर बता देना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सर, सर एक ही झटके में 4 खोखा कमाना है क्या? हाँ सर। सर वेलगी की केस को लूज करके उसको जमानत दिलवाने और इस केस की चार्जशीट में से उसकी बीवी और बच्चे का नाम उड़ा देने के लिए वेलगी के घर वाले मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है सर। 4 खोखा मिल सकता है सर। 4 खोखा। क्या खोखा सर? 4 करोड़ रुपया सर। वैसे भी सर आपकी सर्विस कितनी बची है? 1 साल 1.5 साल। इतना पैसा कमाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा सर, सोच लीजिए। जरा सावधानी से। वैसे भी वेलगी केस देशमुख के अंदर है ना? हाँ सर। उसे भी 2000 पेटी दिलवा दो। वो मैं देख लूंगा सर, लेकिन वहां साला वो ईमानदार मुंशी पेशी भी बैठा है, उसका क्या करे? वो एक ईमानदार अफसर है, किसी अच्छी जगह ट्रांसफर करवाएंगे। और देशमुख को तुम्हारे अंडर तफ्तीश करने के लिए भेज देंगे। तो खोखे मंगवा लूं सर? खोखा? सावधानी से, इस कान को दूसरे कान की खबर नहीं होनी चाहिए। उसकी चिंता छोड़िए सर, वो मैं देख लूंगा। हाँ दुरानी साहब, क्या हुआ? हाँ हाँ चाचा, देखिए आपका काम हो गया है, माल लेकर सीधे मेरे फार्म हाउस पे पहुंच जाओ। दुरानी साहब 5 खोखे हैं, गिन लीजिए। हाँ गिनना क्या है चाचा, लाइए। दुरानी साहब, हाँ अब किसका मुंह कैसे बंद करें ये आप सोचिए, लेकिन हमारे वेलगी साहब के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, उनकी जमानत हो जानी चाहिए। एक बात और, रहीम की बीवी और बेटी का नाम चार्जशीट में नहीं आना चाहिए। आप इत्मीनान रखिए चाचा, बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए यहाँ से। खुद कमिश्नर साहब और मैं इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। और एक बात, जनता में थोड़ी चर्चा कम होने दो, हम वेलगी को भी जमानत दिलवा देंगे सर। बैठो। थैंक्स सर। पूरे 4 खोखे आए हुए हैं, मेरे फार्म हाउस पर रखे हैं, उसका क्या और कैसे करे सर? करना क्या है? हाँ छोटी छोटी मछली को छोटा छोटा चारा दो, बड़ी बड़ी मछलियों को बड़ा बड़ा चारा दो। और 50 पेटी तुम अपने पास रख लो, बैंगलोर जाकर हम खुद बेलगी को इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट करके ले आएंगे। जी एक बार वो मेरे अंडर आ गया तो केस खोखली हो जाएगी और इन ड्यू कोर्स जमानत तो हो ही जाएगी, जैसे हालात होंगे वैसे स्टे लिया जाएगा। सर लेकिन वो मुंसिफ का क्या करें? उसका ट्रांसफर ऑर्डर पहले मैंने साइन कर दिया है। हाँ एसी पे मुंसिफ बोल रहा हूं। क्या मेरा ट्रांसफर? मेरा ट्रांसफर रिजर्व पुलिस फोर्स में किया गया है? लेकिन सर मैं बहुत इंपॉर्टेंट केस हैंडल कर रहा हूं, वेलगी का केस हैंडल कर रहा हूं सर। लेकिन क्या वो मोहम्मद दुरानी के सुपरविजन में होगी सर? हेलो सर, मैं जानता हूं देशमुख, ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। और ये क्या है? चार्जशीट से वेलगी की औरत का और लड़की का नाम गायब, ये सब क्या हो रहा है देशमुख? सर क्या करें,
ऑर्डर ऊपर से आता है, हमें केवल फॉलो करना है बस। इसका मतलब तुम भी बिक गए हो दशमुख, लेकिन याद रखो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक की पोल खोल के रहूंगा। हेलो, हाँ जी, मुझे अन्ना पगारे जी से बात करनी है। क्या करें अन्ना, मैंने वेलगी केस में ईमानदारी से काम करना शुरू किया तो मेरा ट्रांसफर आरपीएफ में कर दिया गया। हमें तुम्हारे जैसे पुलिस ऑफिसर पर नाज है मुंसिफ, लेकिन तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स है कितने? 5%, बाकी 95% सिस्टम सड़ी हुई है, पूरी सड़ी हुई है। पर तुम फिक्र मत करो ऑफिसर, मैं अन्ना पगारे इनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। तुम्हें अपने ऑफिसरों के खिलाफ जो भी शिकायत है पुलिस महासंचालक सुरेश मेहरोत्रा और होम मिनिस्टर को लिखकर दे दो। मैं कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करता हूँ। हेलो, वेलकम वर्मा, वेलकम। कुमार, हाउ आर यू? फाइन। अच्छा, नाइस मीटिंग। आपका बैंगलोर कैसे आना हुआ? वो क्या है, वेलगी की कस्टडी लेनी है। अच्छा, फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ड्यूटी के लिए तो जिंदगी पड़ा है, लेट अस एंजॉय। कस्टडी लेनी है ना, कल ले लेना। थैंक्स। दुरानी। यस सर। एयर की 3 टिकटें बुक करा लेना। वेलगी को फ्लाइट से लेके जाना ठीक होगा सर। क्यों वर्मा जी, वेलगी से बड़ा मालवाल हाथ लगाए क्या? नहीं, एक्चुअली बाद में वो सुन कर लूंगा। नहीं, बाय रोड इट विल बी टू लेट, काफी टाइम लग जाएगा और मुजरिम को जल्दी से पुणे वापस ले जाना है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ओके ओके, चलिए। टाइम देखो वेलगी जी, मैंने और कमिश्नर साहब ने आपके बारे में जो जो करना था वो सब कर लिया। चार्जशीट से तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बच्ची का नाम निकाल दिया। हाँ, 4 दिन यहाँ पूना में पुलिस कस्टडी में तुम्हें रहना होगा, फिर उसके बाद तुम्हें बम्बई भेज दिया जाएगा। हाँ, वहाँ पुलिस तुमसे कुछ इंक्वायरी करेगी, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। फिर तुम्हें यहाँ पूना बुला लिया जाएगा, इससे मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा और तुम्हें आसानी से जमानत मिल जाएगी। लेकिन यहाँ मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी? वेलगी चिंता मत करो, देखो तुम्हें हर रोज होटल से खाना मिलेगा, सोने को बिस्तर मिलेगा, यहाँ तक कि तुम्हें दारू सिगरेट जो कुछ चाहिए वो सब यहाँ मिलेगा। तुम्हें यहाँ कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, यहाँ केस मेरे अंडर में, डरने की कोई बात नहीं। और मुंबई पुलिस? देखो वेलगी, वहां भी हमने फील्डिंग लगवा दी है। हेलो इंस्पेक्टर सावंत। हाँ इंस्पेक्टर सावंत फ्रॉम माटुंगा पुलिस स्टेशन। DIG वागले हियर। वागले सर? वो वेलगी तुम्हारी कस्टडी में है ना? हाँ वेलगी मेरे ही कस्टडी में है। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वेलगी अपने घर पे रहना चाहता है, वो जैसा कहता है वैसा करो। लेकिन सर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो? अरे तुम क्यों चिंता करते हो, DIG तुम्हारे साथ है और इसमें तुम्हारा भी फायदा होने वाला है। चलेगा सर, नहीं जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉन्टेक्ट करना। ओके ओके सर, थैंक यू। क्या वेलगी, तुमने तो सरकार की पूरी बजा डाली। हाँ, लेकिन अब तुम्हारी जब बजेगी ना तब पता चलेगा। अरे मैंने कहाँ अकेले मलाई खाई है, जो भी कमाया सब मिल बांटकर ही तो खाया है। अरे वो तो पुना पुलिस को दिया होगा, हमारे हिस्से में क्या आया? तब नहीं तो अब आ जाएगा। सावंत साहब बोलो कितने रुपए चाहिए? 5 पेटी। इसके बदले में मेरी भी कुछ शर्तें हैं, आप भले ही ऑन पेपर मुझे पुलिस लॉकअप में रखो लेकिन मैं यहां नहीं रहूंगा,
अरे 5 पेटी के बदले में मैं आपको 5 स्टार सुविधा दूंगा। वेलगी, आप चाहे अपने घर में रहो चाहे होटल में, आपका जी चाहे वहां रहो, आपके शर्त के मुताबिक आप पुलिस रिकॉर्ड में लॉकअप में रहोगे। बोलो कहाँ रहना चाहते हो? मैं अपने घर पर ही रहूंगा बीवी बच्ची के साथ। कितने दिनों के बाद आज मैं तुम लोगों के साथ हूं। अब क्या होगा? अब यहां बिजनेस करना तो मुश्किल है, एक के बाद एक नए नए केस में फंसता जा रहा हूं। यहां से हम कहीं दूर नहीं जा सकते, मेरा मतलब है दूसरे मुल्क में। नहीं, कहीं भी जाएंगे तो अदालत के चक्कर तो छूटेंगे नहीं। वैसे भी अब बाहर के मुल्कों में बसना आसान बात नहीं है, कानूनी कार्रवाइयों में उलझ गया हूं, मेरा पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है। मुझे मेरी फिक्र नहीं है, फिक्र है तो तुम्हारी और बच्ची की। मैंने तुम लोगों के लिए कुछ रुपए बैंक में रखे हैं, सरकार की उस पर नजर नहीं पड़नी चाहिए, वरना इतने झमेले करके हमें क्या मिला। नमस्ते अन्ना। अरे मुंसिब साहब। हाँ। कुछ खास बात? अन्ना, लाखों की नहीं करोड़ों की रिश्वत दी गई वेलगी केस में, पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर इन्वॉल्व हो चुके हैं इस केस में। मेरा फिर भी न्याय देवता पर भरोसा है। मैंने जो जनहित याचिका दाखिल की है उसका कुछ ना कुछ नतीजा अवश्य आएगा ही, जरूर आएगा। कुछ चिंता मत करो, बिल्कुल सब कुछ बराबर हो जाएगा। यह अदालत अन्ना पगारे की जनहित याचिका पर बेलगी केस की तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपने का हुक्म देती है। मिस्टर पुरी के नेतृत्व में इस टीम का गठन किया जाए। वेलगी कांड की तफ्तीश कैसे हुई? कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इस मामले में खामियां बरती? यह मामला क्या है, इसकी पूरी तफ्तीश करके हमें पुणे सेशन कोर्ट में 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है। वैसे इस वक्त वेलगी कहां? माटुंगा पुलिस स्टेशन में। SIT, मिस्टर पुरी। यस सर। वेलगी कहां है? वो तो भूत देख रहे हो क्या? नहीं सर, साफ बताओ कहाँ है वो? वो सर, वो तो अपने मलबार हिल वाले फ्लैट में है सर। ओ, फ्लैट में है। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से तो उसे तुम्हारी कस्टडी में होना चाहिए था, सलाखों के पीछे होना चाहिए था। नहीं नहीं सर, बात यह है कि सर सारे कागजात अपने कब्जे में ले लो। यस सर। यस सर। और सुनो, तुम कल 11 बजे SIT के दफ्तर में आ जाना इंक्वायरी के लिए। वेलगी, SIT चीफ मिस्टर पुरी। मिस्टर वेलगी, आपको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में तो मैं पहले से ही अरेस्ट हूं। जिसने ऐसा किया है इंस्पेक्टर सावंत को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। नमस्कार साहब। जय महाराष्ट्र। मुझसे गलती हो गई साहब। क्या हुआ? मैंने आपका साथ छोड़कर विरोधी खेमे का साथ दिया। आज वो मेरा MLA पोटे का साथ नहीं दे रहे। अरे वो सूर्या जी पिसाल की औलाद गद्दार, उसने हमें साथ नहीं दिया तो तुझे क्या देगा? आप तो आंखें खोलो पोटे, अपने और पराये को पहचानो। साहब, उन सभी लोगों के खिलाफ मैं आपके पास सबूत लाके दे सकता हूँ। एक बहुत बड़े कांड में वो फंस सकते हैं। कौन सा कांड? जाली मुद्रांक। क्या पोटे विरोधी पक्ष को जाकर मिल गया है? तुम एक काम करो, समझ गए ना? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, मनोज जायसवाल। मिस्टर पोटे, आपको अरेस्ट किया जाता है।
देखो सावंत, मुझे सच सच बताना कि तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए किसने कहा था? सर, कुछ बड़े ऑफिसर्स ने कहा था। फिर वेलगी ने मुझे भी कुछ रुपया दिया था। कितना दिया? यही 2 पेटी। ये बड़े ऑफिसर्स कौन है? महाराष्ट्र पुलिस के उपसंचालक श्रीकांत वागड़े। ऑफिसर, कॉल इन फॉर इंक्वायरी। यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन प्लीज। मिस्टर वागले, आपके खिलाफ जो चार्ज लगे हैं उससे सहमत हैं आप? नो सर। यू आर लाइंग, जस्ट लाइंग। इंस्पेक्टर सावंत ने बताया कि आपने वेलगी को पुणे से मुंबई ले जाने से पहले फोन किया था कि उसे सिर्फ ऑन पेपर्स पुलिस कस्टडी में रखा जाए, वरना उसे किसी होटल या फ्लैट में रखा जाए। झूठ बोलता है वो। लेकिन ये मोबाइल के पेपर्स तो झूठ नहीं बोलते। आपने सावंत को अपने मोबाइल से 7 बार फोन किया था। सर, किसी को फोन करना कोई गुनाह तो नहीं है? Who is saying कि फोन करना गुनाह है? लेकिन आपकी तनख्वाह सिर्फ 20,000 रुपया है, लेकिन एक दिन के अंदर आपके बैंक में 20,00,000 रुपये जमा हुए। हाउ? बस इस ओके। ये बताइए कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं? टेलस। सॉरी सर, पूना के एक्स पुलिस कमिश्नर मंजीत सिंह वर्मा और एसीपी मोहम्मद दुरानी। That's it. सुभाष देशमुख। यस सर। ये आप मानते हैं कि वेलगी केस में एसीपी मोहम्मद दुर्रानी ने और कमिश्नर वर्मा ने आपको 4,00,000 रुपये दिए? हाँ सर। इज इट ट्रू? राइट। साइन ये। थैंक्स। Excuse me, sir. अगर आपका इस कांड में हाथ नहीं है तो आपको इंक्वायरी के लिए क्यों बुलाया गया? देखिए, इंक्वायरी किसी की भी हो सकती है, इट्स अ लीगल प्रोसीजर। लेकिन मुंबई पुलिस के इतिहास में कमिश्नर रैंक के किसी भी ऑफिसर को आज तक ऐसी इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाया गया। देखिए, कानून सबके लिए बराबर होता है और इसकी जीती जागती मिसाल तो मैं हूँ। एक्सक्यूज मी। लेकिन श्रीकांत वागले ने तो आपका नाम लिया था सर। नो कमेंट्स, आई एम सॉरी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके खिलाफ बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं। जी हाँ। इसकी सफाई में आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, अगर मैं आपसे कहूं कि आप पर इल्जाम है कि आपने वेलगी से पैसे लेकर मुझे दिए, तो क्या आप मुजरिम हो जाएंगे? किसी पर गलत इल्जाम लगाकर उसे मुजरिम नहीं बनाया जा सकता। एक मुजरिम को लेने कभी खुद कमिश्नर गया क्या? ये किसी केस में आपने सुना कभी? जब आप पुणे में कमिश्नर थे तो आप खुद बेंगलोर वेलगी को लेने पुणे से गए थे। आई एम जस्ट आस्किंग, इतना इंटरेस्ट क्यों? लाना तो लाना, लेकिन आप वापस भी आए तो प्लेन से। आई वाज इन अ हरी, जल्दी थी लाने की। जबकि बस और ट्रेन की सुविधा मुहैया थी,
और मुंबई लाने के बाद आपने वेलगी को 5 स्टार की सुविधा मुहैया करवाई। सर, उस वक्त मैं मुंबई का कमिश्नर नहीं था, वहां मेरा हुक्म नहीं चलता था। पुणे के इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि जब आपने थाने और भिवंडी के गोडाउन पर छापा मारा तो वो गोडाउन वेलगी की बच्ची और उसके वाइफ के नाम पर थे, तो फिर चार्जशीट से उनका नाम वापस क्यों लिया गया? हो सकता है मेरे असिस्टेंट की गलती हो। हमने PI सुभाष देशमुख का स्टेटमेंट ले लिया है, जिसमें उसने सीधा आप पर और SAP मोहम्मद दुरानी पर सीधा आरोप लगाया है, आपका नाम लिया है। क्या कहना चाहते हैं आप? What can I say, sir? इस पुणे शहर में क्या साहब आपकी इज्जत थी, और आज आप इसी शहर में और इस हवालात में? छी 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 छी, दौलत तो आई और आकर चली जाएगी, लेकिन इज्जत जो एक बार गई मतलब गई साहब, गई। छी 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 छी, इसी तरह ACP मोहम्मद दुर्रानी, MLA सुनील पोटे, चंद्रा यादव, मिनिस्टर फरहान बेग, प्रथमेश तोतला, समीर बाहुबल, जगन बाहुबल और न जाने कितने लोगों से पूछताछ हुई। बड़े बड़े लोग सलाखों के पीछे हुए। जगन बाहुबल जैसे मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। एक आदमी अब्दुल रहीम वेलगी के कारण, क्या वो अकेला इस अरबों खरबों के घोटाले के लिए जिम्मेदार है या हमारा सिस्टम? काश मेरे देश का हर आदमी पहले देश की उन्नति के बारे में सोचता तो क्या दुनिया में हमारे देश की प्रतिमा यूं मलिन होती? इस तरह से ये केस पुणे के अदालत में चला और अब्दुल रहीम वेलगी को सजा और जुर्माना हुआ। सबूत ना होने के आधार पर पुलिस कमिश्नर मंजीत सिंह वर्मा, ACP मोहम्मद दुरानी, विधायक सुनील पोटे एवं अन्य पुलिस ऑफिसरों को बाइज्जत बरी किया गया।